बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जैपनीज स्टाइल ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। डेली रूटीन में एक ही तरह के नाश्ते कर करके बड़े हों या छोटे हों तो दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट खाया जाए। तो ये रेसिपी परफेक्ट है बच्चों के लिए, उनको नाश्ते में दें या फिर उनको आप लंच में दें, सबको बहुत ही पसंद आने वाला ये नाश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये आज की ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक बाउल में दो अंडे, और अंडों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक का नहीं यूज़ करना हमने यहाँ पे। अंडों को हमने मिक्स करना है, इनको बीट नहीं करेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे शुगर, जो कि हमने लिए 60 ग्राम। बारीक शुगर लेंगे पिसी हुई, इसमें मोटी शुगर नहीं डालेंगे। बारीक इसलिए कि जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे दूध हमने लिया है 30 ml, जो कि हम हाफ अभी डालेंगे, हाफ बाद में डालेंगे। दूध को अंडों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, जो कि हमने लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम मैदा लेकर हम इसको छान लेंगे, और साथ में शामिल कर देंगे हम 2 ग्राम बेकिंग पाउडर। इसमें 2 ग्राम ही यूज़ होगा। इसको डालकर हम छान कर इसमें अंडों में डाल लेंगे। अब इनको भी अंडों के साथ मैदे को, बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह करेंगे ताकि मैदे की कोई गुठली ना रह जाए। इस तरीके में बहुत ही स्मूथ चाहिए इसका मिक्सचर। और हाफ दूध जो हमने बचाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वनीला लहसुन, डाल लेंगे 1/2 teaspoon। इसको डालकर इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अब दूसरे बाउल में हम ले लेंगे 2 अंडों की जर्दी। इसमें हम जर्दी इस्तेमाल करेंगे, और जर्दियों को भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे शुगर, जो कि हमने दी है 20 ग्राम। कर लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे मैदा 15 ग्राम। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम ले लेंगे एक पैन में दूध 200 ml। इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और जो हमने सर्दियाँ फेंट कर रखी थी उनमें ये गरम गरम दूध डाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह हम सारा दूध इसमें डाल लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद अब जिस पैन में हमने दूध गरम किया था उसी में इसको डाल देंगे, और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। और यहाँ पर हम फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, और साथ साथ हम इसको चलाते जाएंगे। इस तरीके इसमें हमने अंडा यूज़ किया, और इसको हम फ्लिप करेंगे। ये 2 या 3 मिनट में अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन हम इसको चलाते रहेंगे चम्मच को। और जब ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए तो हम फ्लेम को
ऑफ कर देंगे तो हमारा मिक्सर जो है अभी ये वाला रेडी है। अब इसको हम किसी बाउल में डाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, अच्छी तरह से सारा पैन से निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर हम क्लिंग शीट से इसको कवर कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हाफ टी स्पून ऑयल डाल लेंगे और टिश्यू से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने जो मिक्सर रेडी करके रखा था उसके छोटे छोटे से पैनकेक बना देंगे। इस तरीके से हम डालेंगे, फ्लेम में ज़्यादा हाई नहीं रखना और सेम साइज में हम बनाएंगे सारे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से हम इनको पैन में डाल देंगे और जब एक साइड से रेडी हो जाए तो दूसरी साइड हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। हम इस यहाँ पे ज़्यादा बड़े पैनकेक नहीं बनाएंगे, ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसमें हमारे 10 पैनकेक रेडी होंगे। तो इस तरीके से हम सारे पैनकेक बना लेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक थ्रू दें, कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये कोई टी पार्टी हो या फिर घर में गेस्ट आ रहे हो या फिर आने नाश्ते में लें, ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, बहुत लाइट बनते हैं। तो इनको भी अब हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट पैनकेक बनेंगे तो इनको निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने जो मिक्सचर रेडी करके फ्रिज में रखा था अब उसको निकाल लेंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये क्रीमी सा मिक्सचर हम इसका रेडी करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने जो पैनकेक रेडी किए हैं उनके ऊपर लगा लेंगे। क्रीम अच्छे से फिलिंग करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे और साइड साइडों पर लगाएंगे, इससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर हम दूसरा रख देंगे और इस तरीके से हम सारा रेडी कर देंगे। दूसरे पे भी इसी तरह लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हम दूसरा रख देंगे। तो इसको हम डिश में निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार क्रीमी नाश्ता बनकर तैयार है और सबको बहुत पसंद आएगा, जो खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप इसके ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर जैम लगा लें या फिर कुछ भी लगा लें, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम का यूज़ करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज ये सिंपली बहुत मज़े के हैं। और अगर आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस जैपनीज नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।